कोरोना वायरस हरियाणा में धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है। ताजा मामला पानीपत जिले से आया है, जहां एक युवक में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। युवक को रात को पानीपत के सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। वहीं युवक के परिजनों को भी घर में ही क्वारंटाइन किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड से भारत वापस आया था। उधर युवक में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लड़का है ये, और यंग लड़का है, हायर स्किल्स की नहीं है, और इंग्लैंड से ही आया था। 15th को आया था और 18th को सिम्टोमेटिक हुआ है। सिम्टोमेटिक होते ही सैंपल ले लिया है और आज रिपोर्ट भी आ गई है। और आइसोलेशन के लिए हमने कल भी उसको कहा था, लेकिन यू नो कि लोग नहीं मानते हैं, प्रोटोकॉल हमारा भी तोड़ देते हैं। वो उसके हित के लिए था, लेकिन अब हमने पुलिस फोर्स भी बिठा दी है कि सैंपलिंग के बाद हम जिसका हम सैंपल लेंगे उसको एडमिट होना ही पड़ेगा। रिपोर्ट क्या आई है? रिपोर्ट क्या आई है? रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो अब उसके ट्रीटमेंट क्या करें? ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, एंटीवायरल हमने सैंपल के साथ ही दे दिया। परिवार में भी सदस्य कितने? उनको 5-6 सदस्य हैं, लेकिन उनको होम आइसोलेशन में रख दिया। और एक हमने DSP साहब से होमगार्ड भी ले लिया। दो लोगों को जैसे आइसोलेशन में, दोनों के घर के बाहर होमगार्ड रहेगा। और एक पेशेंट और आप बता रहे हैं एडमिट है, वो कौन है? क्या वो हमारा पेशेंट आया है, वो भी बाहर से आया है, इंडोनेशिया से है शायद, और उसको भी हमने आइसोलेशन में रख दिया है और एंटीवायरल हम साथ साथ दे रहे हैं। पॉजिटिव आ रहा है, उसकी रिपोर्ट अवेटेड है, कल आ जाएगी। संदिग्ध है? हाँ, 3 तरह के केसेस हैं, प्रोबेबल केस, सस्पेक्टेड और कंफर्म। जब सैंपल हो जाता है तो सस्पेक्टेड में आ जाता है। अब एक कंफर्म्ड हो गया, एक सस्पेक्टेड पेंडिंग। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।